वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बड़े मज़े कर रहे होंगे। और जनाब, आज हम आ गए हैं आपके लिए अपनी उर्दू की क्लास 2 की क्लास लेने। और हमारा जनाब है लेक्चर नंबर ए। लेक्चर नंबर हमारा आज है, हम पीछे देख लेते हैं, 15 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज हमारा जो है वो है लेक्चर नंबर 16। तो यहाँ हम लिखते हैं लेक्चर नंबर 16, ठीक है। और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। तो जनाब, हम हमारे 8 चैप्टर होने जा रहे हैं और जिसका हम आपको बिल्कुल कंप्लीट वर्क दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी हेल्प मिल रही है, आपको कोई भी वर्क करने के लिए आपको कुछ भी सपोर्ट इससे मिल रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके स्टडीज से मुताल्लिक हम आपके लिए आसानी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज के हमारे चैप्टर का नेम है जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत प्यारा, बहुत मज़े का चैप्टर होने वाला है और हम आज इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको आपको सुनना है, पढ़ना है और बोलना है। यानी आपको क्लास में पहले टीचर बुलंद आवाज़ में पढ़ाएंगे, फिर आप पढ़िएगा, फिर सब बच्चे रीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अली अपने बिस्तर पर नींद के मज़े ले रहा था कि अम्मी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उठो बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल जाने की तैयारी करो। आज 14 अगस्त है और तुम्हारे स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब है। ये सुनते ही अली फौरन बिस्तर से निकला, तैयार होकर अपने पालतू मिट्ठू मियाँ के पिंजरे की जानिब आया। पिंजरे में रखी प्यालियों में पानी और रोटी के टुकड़े डाले और पिंजरा बंद कर दिया। फिर अपने अम्मी अबू के साथ नाश्ता किया। इतने में स्कूल की बस आ गई। स्कूल पहुंचकर अली ने देखा कि मंजर ही बदला हुआ है। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की बहार थी। कायद आजम अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान और दूसरे कौमी रहनुमाओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी। मैदान में बड़ा सा स्टेज भी बनाया गया था। इसके सामने थोड़ी देर में सब बच्चे कुर्सियों पर बैठ गए और तकरीब के आगाज का ऐलान किया गया। सबसे पहले दूसरी जमात की एक तलबा ने कुरान पाक की तिलावत की। इसके बाद बच्चों ने यौम आज़ादी के हवाले से तकरीरें की और मिली नगमे पेश किए। इसके बाद हेडमिस्ट्रेस साहिबा ने अपनी तकरीर में कहा, बच्चों, 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त सन 1947 से पहले हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान करके ये वतन हासिल किया। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कायदे आज़म के पैगाम काम काम और बस काम पर अमल करते हुए दिल लगाकर पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने प्यारे पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बना सकें। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को क़यामत तक कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेड मिस्टर साहिबा की तकरीर के बाद तमाम बच्चे और असातिज़ा खड़े हुए और मिलकर कौमी तराना पढ़ा। आखिर में बच्चों में मिठाई भी तकसीम की गई। इसके बाद सब बच्चे खुशी खुशी अपने घरों को चल दिए। घर आकर अली ने तकरीब के बारे में अम्मी को बताया। वो भी बहुत खुश हुई और इसी दौरान अली की नज़र मियाँ मिट्टू के पिंजरे पर पड़ी। अचानक इसके जहन में हेड मिस्ट्रेस साहिबा की तकरीर का वो जुमला गूंजने लगा, 14 अगस्त 1947 से पहले हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस ख्याल के आते ही वो मियाँ मिट्टू के पिंजरे की तरफ लपका और पिंजरा खोलते हुए कहा, मिट्टू,
आज से तुम भी आज़ाद हो। जश्न आज़ादी मुबारक। मियाँ मिट्टू पिंजरे से निकला और उड़कर सामने दीवार पर जा बैठा और अली की तरफ देखते हुए टी टी करने लगा, जैसे कह रहा हो जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत प्यारा और बहुत मज़े का चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जश्न आज़ादी जो है बेसिकली हमारा कौमी दिन 14 अगस्त जो हम मनाते हैं उस पर ये चैप्टर लिखा गया है। तो अली जब बड़े मज़े से अपने बिस्तर पे सो रहा था, जैसे आप और हम भी सुबह बड़े मज़े मज़े लेकर सोते हैं, तो अम्मी की आवाज़ कानों में पड़ती है, उठो बेटा जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है और आज तो 14 अगस्त है और तुम्हारे स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब है, जैसे आपके स्कूल में सब बच्चों के स्कूल में 14 अगस्त की तकरीब होती हैं और मिली नगमे होते हैं, तकरीरें होती हैं और ख़ास तैयारी होती है, स्कूल को बहुत अच्छा सा सजाया जाता है। जब ये सुना तो ये सुनते ही अली फौरन बिस्तर से निकला और जल्दी से दौड़ कर तैयार होकर, उनके पास एक मिट्ठू भी था पिंजरे में, जो उनको मिट्ठू मियाँ कहते थे, और पिंजरे की जानी बड़े और उनकी जो प्यालियाँ थी उसमें जल्दी से उन्होंने रोटी और पानी डाले और उसके बाद पिंजरा बंद कर दिया। फिर अपने अम्मी अबू के साथ नाश्ता करने चले गए, इतने में उनकी बस भी आ गई। जब वो स्कूल पहुँचे तो अली ने देखा कि स्कूल का तो मंज़र ही बदला हुआ था, हर तरफ सब्ज लाली परचम परचम ऐसा होता है और छोटी छोटी झंडियाँ और झंडे ऐसे होते हैं, तो झंडियों की बहार थी। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और दूसरे बहुत बड़े रहनुमाओं की बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाई गई थी, तस्वीरें लगाई गई थी और मैदान में बहुत बड़ा सा स्टेज भी बना था। और थोड़ी देर के बाद जो सारे बच्चे चेयर्स पर बैठ गए और तकरीब का आगाज़ का ऐलान हो गया। सबसे पहले टू क्लास की दूसरी जमात की तालिबा ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सब ने तकरीरें की और मिलकर मिली नगमे पेश किए और लास्ट में हेडमिस्ट्रेस साहिबा ने एक तकरीर की, जो कि हमेशा जो स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं वो तकरीर करती हैं, तो उन्होंने भी तकरीर की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, बेशक इस दिन हम आज़ाद हुए थे और हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात मिली थी, और इससे पहले हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान करके ये वतन हासिल किया है और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी तरक्की के लिए काम करने चाहिए, फलाह के लिए काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको बहुत अच्छी तालीम देके और बहुत अच्छे काम देने चाहिए ताकि हमारा मुल्क बहुत अच्छा तरक्की करे। और हमारे मुल्क में आपको पता है बहुत सारे हुनरमंद लोग हैं और किसी की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सही से यूटिलाइज़ करें तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। और कायदे आज़म का कहना है, उनका पैगाम है कि काम काम और बस काम पर अमल करते हुए दिल लगा कर पढ़ना चाहिए और अपने प्यारे पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बना सकें। आपको पता है कायदे आज़म ने बहुत सारे फरमान उनके हैं जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक उनका फरमान ये है कि काम काम और बस काम, तो यही वाला फॉर्मूला आपने भी अपनाना है कि काम काम बस काम, क्योंकि आराम करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, जब आराम करने के लिए तो बहुत सारा वक्त है, आराम कर लेंगे, लेकिन अगर ये वक्त निकल गया, काम का वक्त निकल गया, तो फिर आपको कोई काम भी नहीं देगा और फिर उम्र और वक्त दोनों निकल जाएंगे और फिर आप सिवाय अफसोस और पछतावे के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद फिर जो है प्यारे वतन को क़यामत तक अल्लाह पाक कायम रखे, और फिर एक ज़ोरदार नारा लगता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब वो हेड मिस्ट्रेस साहब की तकरीर उनकी ख़त्म होती है, फिर तमाम असातिज़ा जो हैं वो खड़े होकर मिलकर कौमी तराना पढ़ते हैं और आखिर में बच्चों में मिठाई की तकसीम होती है। इसके बाद सब बच्चे जो हैं खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं, जैसे आप भी सुबह जाते हैं, बैच लगाते हैं, झंडा लेते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे फंक्शन होता है, उसके बाद आपको मिठाई मिलती है और फिर उसके बाद आप घर आ जाते हैं। और घर आकर अली ने तकरीब की सारी बातें अम्मी को बताई, वो भी बहुत खुश हुई। जब ये सब बातें उन्होंने बता दी तो उनकी नज़र अपने मिट्ठू के पिंजरे पर पड़ी, तो उनके जहन में, अली के जहन में अचानक एक ख्याल आया और हेड मिस्ट्रेस साहिबा की तकरीर का वो जुमला
उसके दिमाग में गूंजा कि 14 अगस्त जो है 1947 से पहले हम गुलाबी की जिंदगी गुजार रहे थे, और इस ख्याल के आते ही उन्होंने मिट्टू के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया ताकि मिट्टू को भी आजाद कर दें, और उसको कहा कि जश्न आजादी मुबारक। और जैसे ही दरवाजा खुला और मिट्टू मियाँ जो थे वो पिंजरे से निकले, उड़े और उड़ के अर्क की तरफ देखा और टी टी करने लगे, जैसे इतने खुश हो रहे हों और कह रहे हों कि जश्न आजादी मुबारक। बहुत अच्छी बात है। और जब अली ने 14 अगस्त वाले दिन ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जानवर और परिंदों को आज़ाद रखना चाहिए, वो आज़ाद रहते हैं। जैसे आपको गुलामी से आज़ादी मिली, इसी तरह हम जानवर परिंदों को भी कैद नहीं कर सकते। परिंदे हवा में उड़ते और फिज़ा में उड़ते अच्छे लगते हैं, और उन्हें उड़ने दिया जाए, उनको ना के पकड़ के उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनके पर काट देते हैं, उनको कितना दुख होता होगा ना, कितनी तकलीफ होती होगी, और वो उनका कितना दिल चाहता होगा कि हम इस पिंजरे से निकल के उड़ के और हम भी आज़ादी की ज़िंदगी जिएं और पेड़ों और दरख्तों पे रहें। तो बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत मज़े का था, मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर था ये, बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आया। आपको पता है जब हम छोटे थे तो हम भी जब 14 अगस्त आती थी तो जश्न आज़ादी पे हम बहुत दिन पहले ही जो है तैयारी शुरू कर देते थे, और ना बहुत सारी झंडियाँ खरीद के लाते थे और अपने पूरे घर को, छत को, सहन को, दीवारों को और झंडियों से सजाते थे, और घर पे एक बड़ा सा झंडा लगाते थे। बड़ा मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और अच्छे अच्छे बैजेस खरीदते थे और ड्रेस भी बनाते थे, जैसे हमारे झंडे का कलर होता है आपने देखा 14 अगस्त पे, वैसे ही कलर के जो है सब तैयारियां करते हैं, वाइट और ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहनते हैं और इसी तरह से तैयारी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो ये उम्मीद है, मुझे यकीन भी है कि आप भी ज़रूर ऐसी तैयारी करते होंगे। तो ये चैप्टर था हमारा। अब हम ले लेते हैं इसमें इमले के लिए मुश्किल अल्फाज। इमले के लिए मुश्किल अल्फाज, ठीक है। अच्छा जनाब, मुश्किल अल्फाज में जो है हम पहले करेंगे अंडरलाइन, तो अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉपी पर ले लेते हैं, छोटे छोटे ले लेते हैं, जैसे बिस्तर, नींद और मज़े, कानों, सुबह, तैयारी, अगस्त, यौमे आज़ादी, तकरीब, पालतू, मिठू मियाँ, पिंजरे, प्यालियों, और इसके बाद क्या किया, नाश्ता किया। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे मंजर, सब्ज हिलाली, परचमों, झंडियों, बहार। अच्छा, ये नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, कौमी रहनुमाओं, तस्वीरें, स्टेज और कुर्सियों, आगाज। और इसके बाद हम लेते हैं तिलावत और तकरीरें, मिली नगमे। और इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, पेज पलट लेते हैं, सेकंड चैप्टर पेज पे देखते हैं। इसमें हमें मिल रहा है आज़ादी, गुलामी, और जनाब लेते हैं बुज़ुर्गों, कुर्बान। अच्छा जनाब, हासिल, और इसके बाद कहते हैं कदर और नेमत। आज़ादी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है, और पढ़ना चाहिए। अच्छा जनाब, इसके बाद हम लेते हैं तरक्की याफ्ता, ये लिख लेंगे मिला के तरक्की याफ्ता। अच्छा, मुल्क और कयामत। इसके बाद हम ले लेते हैं असातिज़ा, मिठाई, तकसीम, खुशी खुशी, और अम्मी को बताया, फिर इस दौरान, दौरान ले लेते हैं। अच्छा, अचानक, गूंजने लगा, गुलामी, गुलामी आई थिंक ऊपर लिया है, अगर देखेंगे डबल होगा तो नहीं लेंगे, ख्याल। अच्छा जनाब, लपका, जो वर्ड देखें हमारे लिए नए लगे ना वो वाले आप अंडरलाइन किया करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप वर्ड्स ऊपर मुश्किल अल्फाज लिख रहे हैं तो अब तक आपकी उर्दू काफ़ी अच्छी हो गई होगी। तरफ देखते हुए टीं टीं करने लगा और जश्न आज़ादी कह रहा, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी पर। अच्छा, ऐसा होता है ना जब हम बहुत सारे वर्ड्स लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें फिर कुछ आने भी लगते हैं, तो फिर हमें सारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो इम्पोर्टेंट हो और सही लगे, नए लगे, उनको लिखने की कोशिश करें।
ठीक है, तो ये हुआ हमारे, हमने ये ले लिया है अपना, तो लिखते हैं हम पहला बिस्तर, बिस्तर, नींद, मजे, कानों, और इसके बाद लेते हैं हम सुबह, और इसके बाद तैयारी, अगस्त, योमे आज़ादी, योमे आज़ादी, ठीक है, तकरीब, तकरीब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं पालतू, पालतू परिंदे, पालतू जानवर, मिट्ठू मियाँ, तोता आपके पास अगर होगा ना तो उसको ज़्यादातर सब मिट्ठू मियाँ ही कह रहे होते हैं। प्यालियों, अगर आपने परिंदे पाल ही लिए हैं तो उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, उनके पिंजरे को साफ रखना और उनको वक्त पे खाना पानी दाना देना और उनको ताज़ा हवा में रखना, धूप देना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर आप उनको कैद ना करें, ठीक है। स्कूल, इसके बाद लेते हैं मंजर, जब स्कूल पहुंचे तो मंजर बदला हुआ था, सब्ज हिलाली, सब्ज हिलाली, परचमों, ठीक है, झंडियों, बहार, कायदे आजम, लियाकत अली खान, ये खान मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, कौमी रहनुमा, सही है, ये आप मिला के भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिखते हैं, रहनुमाओं, तस्वीरें, और इसके बाद ले लेते हैं जनाब मैदान, स्टेज, बच्चे, कुर्सियों, आगाज, तकरीब का आगाज हो गया था। अच्छा जनाब, इसके बाद लेते हैं हम तिलावत और तकरीरें, बड़ा मज़ा आता है तकरीरें करने में, क्या आप करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप तकरीरें करते हैं, और अगर आपको कोई तकरीर लिखवानी हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, लिख के दिखाऊंगी, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई तकरीर लिखनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आज़ादी, गुलामी, हासिल, नेमत, कदर, अच्छा जनाब, इसके बाद हम लेते हैं पढ़ना, जो हमने अंडरलाइन किए थे वही हमने लिखे हैं, तरक्की, अगर आपको कुछ और लिखने हो एक्स्ट्रा तो आप लिख सकते हैं, हमें जो मुश्किल लग रहे थे वो हमने ले लिए, खुशहाल, मुल्क, बहुत दफ़ा यूज़ हो चुका है, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, कयामत, अच्छा जनाब, इसके बाद हम लेते हैं असातिज़ा, असातिज़ा हमने अभी नहीं लिखा ना, हाँ अभी नहीं लिखा, असातिज़ा, इससे ये होता है आपकी ना उर्दू बहुत अच्छी हो जाती है, दौरान, अच्छा जनाब, इसके बाद हम लेते हैं मिठाई, यहाँ लिखें मिठाई, और खुशी खुशी, अचानक, ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं लपका। अच्छा,